अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.3 या 6 क्लास की मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये हम करेंगे और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि अलीज़े हैज 16 साइंस बुक्स, 28 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स। शी वॉन्ट्स टू पैक दिस बुक्स इक्वली विदाउट मिक्सिंग द बुक्स एंड विद नो लेफ्ट ओवर। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेज। अब वो कह रहे हैं एक लड़की है जिसके पास 16 साइंस बुक्स हैं, 28 मैथमेटिक्स बुक्स हैं, 30 इंग्लिश बुक्स हैं। अब वो उनको क्या करना चाहती है, इक्वली पैक करना चाहती है, और वो ये भी चाहती है कि बीच में से कोई भी बुक जो है वो रह ना जाए। तो वो कह रहे हैं कि कितने मतलब के ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स हैं जो कि वो एक पैकेज के बीच में डाल सकती है। ठीक है, तो ये हमने बताना है, तो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्यूशन। और हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साइंस बुक्स कितनी है, नंबर ऑफ साइंस बुक्स 16। फिर क्या है, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स 28 है। हमारे पास साइंस बुक्स जो हैं वो 28 हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा है जी, सॉरी 16 साइंस बुक्स हैं, 28 मैथ बुक्स हैं और 30 इंग्लिश बुक्स हैं। ठीक है जी, तो ये आगे मैंने सारा डाटा लिख लिया है कि उसके पास कितनी है, 16 साइंस बुक्स हैं, 28 मैथमेटिक्स बुक्स हैं और 30 इंग्लिश बुक्स हैं। अब हम करते क्या, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, उधर से हम क्या निकालेंगे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 16 का भी, 28 का भी और 30 का भी। तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, फिर 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7, फिर 2 15 30, 3 5 15, फिर 5 1 5। तो ये मेरे पास क्या आ गए, इन सब के फैक्टर्स आ गए। अब हम देखते हैं इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फैक्टर्स 16 के क्या आए मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और 28 के क्या है मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। और 30 के मेरे पास क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, ये अब कौन सा ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास तीनों में कॉमन है, तो वो ये 2 है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, HCF = 2। यानी कि हम नीचे लिख भी देते हैं, सो शी कैन पैक 2 बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो हर पैकेज में वो हर सब्जेक्ट की 2 2 बुक्स जो हैं उनको वो रखेगी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, देर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 एंड 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। अ टीचर विशेस टू अरेंज दीज इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज इन अ रो। वो कह रहे हैं कि टोटल क्या है, 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 में, 70 स्टूडेंट्स हैं क्लास 7 में और 80 स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 में। एक टीचर है जो कि चाहती हैं कि वो इनको स्टूडेंट्स को अरेंज करें रोज में, और इस तरह अरेंज करें कि हर रो में इक्वल जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि हमने ये बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दैट कैन बी अरेंज इन अ रो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं हर रो में। तो जब भी हमने फाइंड आउट करना हो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किसी भी चीज़ का, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं,
एच सी एफ, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एच सी एफ फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सिक्स कितने हैं हमारे पास, 50, फिर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेवन तो वो कितने आ गए हमारे पास, 70, और फिर आ गया जी स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड एट तो वो कितने हमारे पास, 80 हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका डाटा आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ 50 का भी, 70 का भी और 80 का भी। एलसीएम जब भी हम लेते हैं तो सबसे पहले आपने सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, तो 2 25 टाइम्स क्या होता है, 50, फिर 5 5 से 25, फिर 5 1 से 5, फिर 2 3 से 6, 1 कैरी हो गए 10 हो गए, 2 5 से 10, फिर हमारे पास ये जो है 35 है, 35 3 से नहीं होता, यानी कि हमें 5 से करना पड़ेगा, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। डिविजिबिलिटी रूल्स जो है उस पर मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किस तरह एलसीएम लेना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 2 40 ज़ा 80, 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 वन ज़ा 5। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इसके सारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब हम मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेती हूँ इनके जो फैक्टर्स हैं, तो 50 के क्या आए मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 70 के क्या मेरे पास आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। और 80 के क्या आए मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम देख लेते हैं इसमें से कौन से नंबर्स हैं जो कि तीनों में आते हैं, तो एक तो हमारे पास 2 जो है वो आ रहा है तीनों में, और एक ये जो 5 है ये हमारे पास आ रहा है तीनों में। तो एच सी एफ हमारे पास क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू 10, यानी कि एच सी एफ हमारे पास क्या आ गया, इसका 10 आ गया। सो 10 स्टूडेंट अरेंज इन ईच रो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सो 10 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन ईच रो। ठीक है, तो हर रो में कितने स्टूडेंट्स को अरेंज किया गया है, 10 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।